बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। ठीक हो गया? अच्छा जी, इससे पहले हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किए हुए थे। हमारा चैप्टर का नाम भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा कंपाउंड है, जो कह लें हमारी बॉडी की जो बैकबोन है, जो हमारी बॉडी का स्केलेटन है, जो मेन कंपाउंड है वो क्या है? एलिमेंट। ठीक है, कार्बन आपको पता है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया, तो कार्बन हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद होता है। आपको पता है ये जो है कार्बन जो है वो, अगर हम कहें हमारी बॉडी किस नेचर की है, ऑर्गेनिक नेचर की है या इनऑर्गेनिक नेचर की है, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है ऑर्गेनिक नेचर की है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सबसे ज़्यादा कौन होता है? कार्बन होता है, जो ढेर सारे कंपाउंड्स बना रहा होता है। अगर हम रोल की बात करें, रोल ऑफ कार्बन इन आवर बॉडी, ठीक हो गया, तो आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है वो डिपेंड ही इस पे कर रहा होता है। स्केलेटन जो है वो कार्बन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है इस कंपोस्ट ऑफ मेनली कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आ जाते हैं? प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, और इन सब का जो मेन एटम है, जो सेंट्रल एटम जो है वो क्या है? कार्बन एटम है। ठीक है, व्हाट इज़ दैट कार्बन एटम? विच इज़ स्केलेटन एटम। ठीक हो गया, अब आपको पता है कार्बन हमारे मसल सेल्स में भी होता है, हमारे स्केलेटन में भी है, तो इसलिए हमने उसको कहा है कि जो कार्बन है वो हमारी बॉडी का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, यू कैन से कार्बन इज़ द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी। सही हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आपको पता है ड्यू टू वेरियस नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ड्यू टू कार्बन, कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेतहाशा वैरायटी है। ठीक है, ये प्रोटीन्स में भी होता है, लिपिड्स में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। मतलब लिमिटेड कंपाउंड्स नहीं है कार्बन के, अनलिमिटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अनलिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसकी वजह से ये टेट्रावेलेंट, आपको पता है इसकी वजह से, अनलिमिटेशन की वजह से वैरायटी आ जाती है कार्बन के कंपाउंड्स में। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस पे ज़्यादा वो दी गई है, इसकी अहमियत पे ज़्यादा फोकियत, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि हम इसको अपनी बुक में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेतहाशा कंपाउंड्स बनाता है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, वरना तो स्टडी तो हम फॉस्फोरस को भी कर सकते थे, नाइट्रोजन को भी कर सकते थे, मतलब लेकिन वो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाते, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्बन इज़ द मेन स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग हेयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको पता है कार्बन क्या है? कार्बन इज़ ए टेट्रावेलेंट, टेट्रा मीन्स फोर, वैलेंट मीन वैलेंसी। ठीक है, व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी मीन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अनदर एटम। ठीक हो गया, जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं ये इसकी वैलेंसी है। ठीक है, अब उसके पास, आपको पता है एक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या पेयर कह लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, कुछ के पास अनपेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कुछ के पास उन्होंने शेयरिंग करनी होती है। ठीक है, तो जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी ना, आपने हमेशा याद रखना है वहाँ पर हमेशा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ठीक हो गया, पहले तो उसके पास अनपेयर्ड ही होंगे ना, ठीक है, पेयरिंग तो नहीं हुई होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उन कंपाउंड्स के दरमियान वो कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो आपने याद रखना है कि जो कार्बन है ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कितने बॉन्ड बनाता है? फोर बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं टेट्रावेलेंट। ठीक हो गया, टेट्रा मीन वर्ड्स फोर, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही फोर है। सही हो गया, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक हो गया, को मीन्स इकट्ठे, को का मतलब होता है इकट्ठे, जैसे आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे को एजुकेशन है, ठीक है, ये को यूनिवर्सिटी है,
आपने अक्सर बोर्ड्स पे देखा होगा कि जॉन एंड को वर्कर्स, ठीक हो गया, मतलब जॉन और उसके साथ फिर उसके वर्कर्स ने ये काम किया। तो जहाँ पे को आ जाएगा उसका मतलब है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद है, चाहे लोगों की चाहे चीज़ों की, ठीक है। तो को का मतलब होता है इकट्ठे, वेलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद एन अनदर एटम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि कंपाउंड्स कौन कौन से बनाते हैं। आपको पता है कार्बन जो होता है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी बनाता है, ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स भी बनाता है, फिर रिंग शेप्ड कंपाउंड्स भी बनाता है, सही हो गया, मतलब वैरायटी है इसमें। अच्छा, अब लॉन्ग चेन जब कंपाउंड्स बनाएगा या जब लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, स्ट्रेट चेन की बात कर रही हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, कैटिनेशन, ठीक हो गया। ये इसकी डेफिनेशन है कैटिनेशन की, जब कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो हम इसको कहेंगे कैटिनेशन है, ठीक है। ये मैंने 6 कार्बन्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया, यहाँ पे भी इसने बनाना था। आप देख लो हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, अगर इसकी बात करें 1 2 3 4, ठीक है, दो इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और इसने दो इसके साथ कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, मतलब हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सही हो गया। ये जो स्ट्रेट चेन है इसका नाम है एन हेक्सेन, ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं, ये जो मैंने बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का है, कार्बन इसमें भी 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। आपको पता है जब डबल बॉन्ड आता है तो एंड में आता है ई एन ई, जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो फिर एंड में आता है वाई एन ई, अल्काइंस, ठीक है ना, वो पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूलाज। और जब ए एन ए आता है तब सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाला मैंने बनाया है जिसमें 6 होंगे, तो ये बेंजीन होगा। कुछ लोग इसको मतलब सर्कल भी शो कर देते हैं, ये जो जो बॉन्ड्स हैं ये रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो फिर कुछ स्ट्रक्चरल बुक्स में, कुछ बुक्स में इसका जो फार्मूला है बेंजीन का, वो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होते, वो रिंग की फॉर्म में होता है। रिंग का मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड है, उसमें मूव कर रहे हैं, सही हो गया। अच्छा जी, इसमें भी 6 कार्बन है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, और ये बेंजीन है, ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास फार्मूला आ गया। ये जो कार्बन मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये भी 4 बॉन्ड ही बना रहा है, तो ये स्ट्रेट चेन तो नहीं आपको लग रहा, ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, और इसको हम कह देंगे नियो हेक्सेन, ठीक हो गया। आपने 4 फार्मूलेज पढ़े थे केमिस्ट्री में, एक होते हैं स्ट्रक्चर फार्मूलाज, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है क्रिस क्रॉस, और एक होता है डॉटेड, मेरे ख्याल से मैं भूल गई हूँ कौन सा, बहरहाल ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक हो गया। ये जो मैंने बनाया मोलिकुलर फार्मूला वो होता है वो 6C6H12O6, ठीक है, जहाँ पे मोलिक्यूल्स की क्वांटिटी बताई होती है, सही हो गया। तो ये जो सारे अभी फार्मूलाज बनाए हैं मैंने, ये सारे फार्मूलाज जो मैंने बनाए हैं ये क्या हैं, स्ट्रक्चर फार्मूलाज, सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, कोवलेंट बॉन्ड आपको मैंने पहले ही बता दिया है, द बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, सही हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की, कि कार्बन, चलो हमें ये तो पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो तो हो गए हाइड्रोकार्बन, सही हो गया। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन जो है वो बाकी एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और बाकी एटम्स के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हेटरो एटम्स, कार्बन मेक फॉर्म्स विद हेटरो एटम्स, एंड उसमें क्या क्या आ जाते हैं, हेटरो एटम्स में हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हमारी बुक में मेन 3 ये एटम्स को डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम भी इन्हीं एटम्स को डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा जी, जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और जो लिंकेज होगी उसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। ये आपने कहाँ पढ़ी थी पेप्टाइड लिंकेज, ये आपने प्रोटीन्स में पढ़ी थी, जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, और अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, सही हो गया। तो अभी आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, कार्बन भी जब नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, सही हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट है उसके इसके साथ है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन का तो पता चल गया, हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगा तो हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे या कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो उसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सही होगा। और जो लिंकेज होगी उसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पेप्टाइड आपने याद रखना है कार्बन एंड नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड होगा, और ग्लाइकोसिडिक कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड होगा, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता है सुक्रोज आ जाती है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब दो मोनोमर्स मिले हुए हैं इसमें, दो मोनोमर्स मिले हुए हैं। मोनोमर्स कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हमारे पास ग्लूकोज और एक हो गया फ्रुक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सही हो गया। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कार्बन मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बनाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, और फिर क्या बनाते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी। पहले हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको पता है लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो एज नेम इंडिकेट्स लार्ज मोलिक्यूल्स, ठीक हो गया। जब मैक्रो की बात आएगी तो इसका मतलब है कार्बन लंबे लंबे बड़े बड़े मोलिक्यूल्स बनाएगा। और आपको पता है स्टेबल कौन से कंपाउंड्स होते हैं, लॉ कंपाउंड मोलिक्यूल्स होते हैं या छोटे होते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स या माइक्रो मोलिक्यूल्स। स्टेबल हमेशा आप याद रखिएगा मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग चेन होते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है मैक्रो मोलिक्यूल बन जाएगा, ठीक हो गया, चेन बड़ी होती जाएगी, सही हो गया। तो स्टेबल हमेशा याद रखना, स्टेबल जो होंगे वो मैक्रो मोलिक्यूल्स होंगे, लेकिन दूसरी तरफ इनकी सॉलिबिलिटी कम होगी, किस में, वाटर में, ठीक हो गया। लेस सॉलिबल इन वाटर एज कार्बन नंबर इंक्रीजेस इन चेंज, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर चेन में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी सॉलिबिलिटी जो है वाटर में कम होती जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा आपको फंक्शन पता है, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी मास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बॉडी मास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर मास, आपने सेल स्ट्रक्चर, सॉरी आपने पढ़ा था ये सेल लेवल, उससे पहले आपने ऑर्गेनेली लेवल पढ़ा था, उससे पहले फिर आपने मॉलिक्यूल लेवल पढ़ा था। तो जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ऑर्गेनेली बनेगी, फिर ऑर्गेनेलीज जब मिलेंगी तो सेल बनेगा। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस में, सेल स्ट्रक्चर लेवल में, सेल लेवल पे, ठीक हो गया। तो आपने ये याद रखना है कार्बन की जो सॉलिबिलिटी है, ठीक हो गया, वो कम होगी वाटर में ड्यू टू लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, सही हो गया। और स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, ठीक हो गया। फिर आपने पढ़ा हुआ है फूड हमारी बॉडी में जो है वो किस में स्टोर होती है, मतलब किस फॉर्म में स्टोर होती है। एनिमल्स की बॉडी में याद रखना जो फूड स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, सही हो गया। फूड स्टोर इन आवर बॉडी एनिमल्स की फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और प्लांट्स की बॉडी में जो फूड स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। स्टार्च और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो आपको पता है ग्लाइकोजन किससे बना होता है, ग्लूकोज से, ठीक हो गया। ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनमें आप कह लें इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये टूटते भी हैं और कंबाइन भी करते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, वो एनर्जी होगी हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देगी, ठीक हो गया। और जब कंबाइन करेंगे तो फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो स्टेबल होते हैं, सही हो गया। अच्छा जी, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बताया कोवलेंट बॉन्ड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल एटीपी, एटीपी में कोवलेंट बॉन्ड होता है, सही हो गया। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है,
वट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अपने अंदर जो है वो अच्छी खासी जो एनर्जी है स्टोर कर लेता है। सही हो गया। आज के टॉपिक में से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।